आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं इसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे आपकी जो है ठीक होगी। और जैसे कि आँखों की नसें सूख जाती हैं तो इसमें सिम्टम्स क्या आता है आपका, ब्रेन के साथ साथ आँखों की नसें भी सूख जाती हैं और ब्रेन की भी नसें सूख जाती हैं। आपके दोनों के दोनों सिम्टम्स आ रहे हैं साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपको बताने जा रहा हूँ दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम की एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। स्पेशल वीडियो है, इसमें चार बीमारी के लिए है। और पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोग जो हैं हमारी वीडियो को देखकर ठीक हुए हैं, विदेशों में भी ठीक हुए हैं और हमारे भारत में भी ठीक हुए हैं। लाखों लोग ठीक हो गए केवल मात्र परहेज़ और घरेलू उपचार से ही ठीक हो गए। बहुत खुशी होती है जब वो व्हाट्सअप करते हैं या यूट्यूब पर बताते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हमें फ़ायदा हो गया और हम ठीक हो गए, हमारी दवाई छूट गई और आज हम कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, आपका परहेज़ ही कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है और प्रसन्नता इतनी होती है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि विदेशों से भी हमारे पास बहुत व्हाट्सअप आते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा आप उपचार करें घरेलू, जो जिनकी कम प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती है बिल्कुल और ज़िंदगी भर के लिए ठीक होती है, सिम्टम बढ़ते नहीं हैं। और परहेज़ ठीक होने के बाद भी आप कम से कम, मैं तो ये कहूँगा कि आपको 2 साल तक परहेज़ करना चाहिए। मन करे खाने के लिए कभी कभी खा लो, फिर महीने में 1 बार 2 बार किसी चीज़ का मन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है, टेंशन की, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेना, तो इसमें सिम्टम आते हैं। बहुत लोग तनाव में आ जाते हैं और दिमाग जो है, सर में दर्द, खिंचाव, भारीपन, और एक चीज़ को टेंशन में इतनी ले लेते हैं जैसे कि दिल और दिमाग का एक हो जाना। और जब दिल और दिमाग का एक हो जाता है तो इसमें तो पता ही नहीं चलता कि आपके लिए दिन और रात एक बराबर हो जाती है, आपको कुछ भी इसमें पता नहीं चलता, समय का कोई पता नहीं चलेगा, महीने साल ऐसे गुजर जाते हैं। बहुत लोग आते हैं 10-10 साल की टेंशन लेके, प्रॉब्लम लेके कि हम ऐसे ऐसे जिए हैं और हमें यही नहीं मालूम कि हमारे साल गुजर गए और हमें पता ही नहीं चला। तो यहाँ एक तो वो सो भी नहीं पाते, नींद नहीं आती है, और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं इंग्लिश मेडिसिन बहुत खा रहे होते हैं और नींद की दवाई तो पूछो मत कि जी रात में भी लेते हैं और दिन में भी लेते हैं। कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा प्रेशर बढ़ जाता है दिमाग का और हमारे सिर में जो है दर्द हो जाता है, तो मैं नींद की गोली ले लेते हैं, बहुत लोग सिर दर्द की गोली ले लेते हैं। तो सिर दर्द की दवाई से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या आता है, क्या होता है, दिमाग की नसें जो होती हैं सूख जाती हैं। दर्द की जो दवाई है उससे आपको बचना है। परहेज़ हम हर वीडियो में बताते हैं, उसको आप नोट करें, क्योंकि हर वीडियो में अलग अलग परहेज़ होते हैं, आप उसको नोट कर लें अपना, उसी परहेज़ पर चलें। और जो घरेलू मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर का खाना कैसे खाना है, बाहर का नहीं खाना, ये भी आपको बताऊँगा इसमें भी, इस वीडियो में आपको परहेज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको चावल, खटाई, अंडा, नॉनवेज, शराब, किसी भी प्रकार का आप नशा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, भांग, सुल्फा और ना जाने जो भी हैं नशे के, जितने भी हैं, आप कुछ भी नहीं ले सकते। क्योंकि मेरे पास आते हैं वीडियो देख के, बोले जी आपने इसमें एक ये चीज़ नहीं बोली थी, मैं तो वही ले रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहूँगा किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, नशा बिल्कुल नहीं करना है, उससे अपने आप को बचाना है। कोई भी आपको नशा नहीं करना है, इसमें जितने आपके सिम्टम्स हैं ये आपके धीरे 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 जो है ये आपके कम होते चले जाएंगे। जैसे आप जैसे कोई चीज़ ज़्यादा सोच रहे हैं दिमाग में लेके, ज़्यादा आप उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप को कूल रखना है। जैसे कि आप कोई ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो उसमें क्या करना है, फैमिली के साथ बैठो, अकेले में बिल्कुल नहीं बैठना, फैमिली के साथ बातें करो, उनको बताओ कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स है,
लेकिन इंग्लिश दवाई अगर आप ज़्यादा ले चुके हैं तो उसको ज़्यादा ना लें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। क्योंकि बहुत लोग आते हैं मेरे पास 10-10, 15-15 साल खा के दवाई, और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि उनको और बीमारियां भी आ जाती हैं, क्योंकि हर साल बीमारी इसमें बढ़ जाती है। ब्लड आपका जब गाढ़ा होगा तब बढ़ेगी। और इसमें क्या होता है, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि 20 साल के या 18 साल के या 25 साल के हैं, और उनको तो पता ही नहीं है बीपी क्यों हो गया ये। तो इसमें क्या होता है, बीपी भी आपका बढ़ जाता है, जो ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में। क्योंकि दिल और दिमाग जब एक हो जाता है तो आप अपने आपे में नहीं होते, इसमें आपका बीपी बहुत बढ़ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, और आप कुछ परहेज कर नहीं रहे होते हैं, बीपी गोली खा नहीं रहे होते हैं, तो इसमें आपके क्लोटिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुतों को ब्रेन का कोई भी अटैक आ सकता है, पैनिक अटैक आ सकता है, कोई भी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को आपको कूल रखना है। आपको मैं परहेज बता दूँ, परहेज इसमें क्या है, परहेज है इसमें आपका चावल, खटाई, ये सब तो आपको लेना ही नहीं है। और मैं भी बताया हूँ आपको, अंडा, नॉनवेज, बाहर की चीज़ें नहीं खानी, आपको जंक फूड नहीं खाना है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, ठंडी चीज़ों से बचना है, ठंडे पानी से स्नान नहीं करना है, हल्का गुनगुना, हल्की ठंडी तासीर निकाल दो अगर ज़्यादा गर्मी है, सर्दियों में गर्म पानी से स्नान करो। जितना आप अपने आप को परहेज में लेके चलोगे उतना आपके सिम्टम्स जो है ये कम होते चले जाएंगे। खान पीन में ये है कि आपको जैसे आप भोजन करें, देसी घी आपको नहीं खाना है, बचना है उससे। जब आप नॉर्मल हो जाएं तो आप शुरू कर सकते हैं, देसी घी खा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, गरम मसालों से दूर रहना है। आपका जो है जैसे सादा भोजन करना है, प्याज खा सकते हैं, मिर्च खा सकते हैं, हरी मिर्च ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर गरम चीज़ें, कॉफ़ी, चाय, इससे दूर रहें, दूध पिएं अच्छा रहेगा। चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें, देसी खांड यूज़ करें, ठंडी होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं चीनी की जगह, स्वीट स्वीट आपका मीठा मीठा दूध बनेगा। और आपका क्या है, चाय से बचना है, कॉफ़ी से बचना है, गर्म चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है। तो जो आप खाना खा रहे हैं, जैसे इसमें खाने का सबसे ज़्यादा इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, आपको कैसे चलना है। आपको सादा भोजन, रात्रि में फल खाएं, दोपहर में भोजन करें, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह नाश्ता करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर शाम के टाइम आपको एक ही रोटी खाएं और ग्रीन सब्जी लिक्विड बनी हुई वो पिए, ज़्यादा पिए, और फिर बाद में 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद फल खा लें, फल खा के दूध पी के अपना सो जाए। आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन जो तेज़ी के साथ भाग रहा है नसों में, जो आपका बीपी आ रहा है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, आप कूल हो जाएंगे। जब आप कूल हो जाएंगे तो आपको अच्छा अच्छा महसूस देगा। आपको जब टेंशन हो, किसी बात की टेंशन है, फैमिली में बात करो, उनसे अपना बैठ कर बात करो, अकेले में मत बैठो, तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। नहीं तो आपकी आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और जो लोग बीपी ज़्यादा उम्र के हैं, बीपी की गोली लेते हैं, तो उनको भी यही फॉलो करना है, ऐसे ही चलना है, अपना बीपी गोली लेते रहो, कैलेस्ट्रोल की आप कोई टैबलेट्स या कैप्सूल ले रहे हैं लेते रहो, वो नहीं छोड़ना है, कोई नशा नहीं करना है। तो आप अगर ये फॉलो करते हैं हर उम्र के, तो उनकी क्या है, सिम्टम जो हैं ये नीचे आ जाएंगे, कम हो जाएंगे, बहुत कूल हो जाएंगे, और वो टेंशन तो रहेगी नहीं बिल्कुल भी। और बहुत लोग क्या करते हैं, नींद की दवाई लेते हैं, उससे भी आपको अपने आप को बचाना है। नींद की गोली ना लें, अपने पैरों के तलवों की मालिश करवाएं सरसों के तेल से, पहले पैर ठंडे पानी में डालें आधा घंटा, बाल्टी में उसमें एक बर्फ़ डाल लें अगर आप गर्मी में हैं, और आधा घंटे डाल के निकाल के फिर पैरों के तलों की मालिश करें, 3-4 दिन करेंगे, हो सकता है पहले दिन नींद आ जाए, क्योंकि पहले दिन भी नींद आ जाती है, दवाई की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप की डीपी में ये हमारा चल रहा है नंबर, डीपी में जाइए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिनको ज़्यादा समस्या, आ जाइए क्लिनिक पर, दवाई ले जाइए, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और हमारी दवाई आयुर्वेदिक है, नो साइड इफ़ेक्ट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप ठीक हो जाएंगे। और इसमें जो आपकी जो समस्या है, जो आप परहेज़ करेंगे, ये आपकी ठीक होती चली जाएगी। जब आप परहेज़ करेंगे और अपना जो मैंने उपाय बताया आपको वैसे ही आप चलेंगे, तो आपके सिम्टम जो है नीचे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कम होते चले जाएंगे।
और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और लोगों को फ़ायदा मिले। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।